का तन ब्रह्मा जी ने बनाया तो इस शरीर को चले कैसे, इसके देवताओं को बुला करके कहा तुम एक एक रूप से सब देवता इस शरीर में जाओ। जैसे आंख में पूरे देवता को कहा, पूरे देवता एक रूप में आंख में रहो नहीं तो देख नहीं पाए, और चर्म इंद्री में वायु देवता को कहा बिल्कुल जो पर शक्ति मिले प्रजापति सब देवताओं को, इंद्र देवता को हाथ में काम करने की शक्ति सब हुआ, सब देवता लोग गए लेकिन इतना बड़ा शरीर चल नहीं पाया। चलेगा कब, जब पैर में कोई देवता जाएगा तभी तो चलेगा, कोई देवता जाने को नहीं तैयार। तब ने कहा पता नहीं कि पैर रखे पेशाब में रखे गंदगी में रखे, हम इसके पैर में नहीं जाएंगे, तो फिर कौन गया पैर में, भगवान विष्णु। भगवान विष्णु ने कहा शरीर के अलग अलग अंगों में अलग अलग देवताओं ने वास किया लेकिन मैं इस प्राणी के चरण में अर्थात पैर में वास करूंगा, और जब पैर में भगवान विष्णु प्रवेश कर गए तब मैं मनुष्य चलने लगा। अब आपने किस हल क्या हुआ, सबसे बड़ा होकर के सबसे छोटी जगह पर गए, पूरे शरीर का वजन पैर संभाल रहा है, सबसे बड़े भगवान होकर के सबसे छोटी जगह पर जाकर बैठे, हल तो नहीं चला। लेकिन प्रैक्टिकल देख लो, जहां वो जाकर के बैठेंगे प्रणाम वही किया जाएगा, आप किसी का बहुत आदर करोगे तो उसका पैर छुओगे उसकी पीठ नहीं छुओगे, पान करना होगा तो चरणामृत लेकर के पान करेंगे, हाथामृत कानामृत नाकामृत पृष्ठामृत लेकर उसकी चरण को ही धोकर के पान करते हैं क्योंकि चरण में भगवान का वास है। भक्तों जब भगवान सबका चरण धुलाने का काम शुरू किए तो वहां जितने राजा बड़े बड़े संत महात्मा मुनि सब आए थे सबका चरण धो रहे। तो दक्षिण भारत के एक संत एक राजा आए थे और राजा का नाम था वीरेंद्र। राजा वीरेंद्र उस समय जब राजकुए महाभारत के युद्ध के पहले की बात है, महाभारत युद्ध के पहले राजकुए हुआ था उसकी बात। तो जब राजा वीरेंद्र पधारे तो भगवान श्री कृष्ण जब उनका चरण धोने के लिए जल लेकर के आगे बढ़े, वीरेंद्र ने कहा प्रभु आप तो ईश्वर है, हमको नारद जी ने बताया है आप हमारा चरण नहीं होंगे। द्वारकाधीश ने कहा महाराज मैं आपसे आयु में बहुत छोटा हूँ, आप तो मेरे बड़े भाई हैं, मैं तो आपका चरण धोने के लिए अधिकार प्राप्त किया हूँ, चरण में जल लगा। इसके बाद वीरेंद्र महाराज की महारानी आई, वो भी आई थी लेकिन वो रोकने लगी हाथ जोड़ करके द्वारकाधीश आप मेरे चरण में धोइए। उन्होंने कहा भाभी ऐसी बात आप करती हैं, आप तो मुझे बहुत बड़ी है, मैं आपके चरण धोऊंगा। भगवान ने चरण में चल डालूंगा, ये बात उन्हें राजकुए थी। बाद में क्या घटना घटती कि महाभारत का युद्ध होता है और महाभारत के युद्ध में पांडवों की ओर से राजा वीरेंद्र दक्षिण का राजा युद्ध में मारा गया। महाभारत के युद्ध में पांडवों की ओर से युद्ध करते करते राजा वीरेंद्र मारा गया, और उस राजा के उस समय एक बच्चा था, एक मात्र बच्चा, उसकी उम्र थी 6 वर्ष, 6 वर्ष का छोटा। परंपरा के अनुसार राजा उसी को बनाया जाता है 6 वर्ष के बच्चे को, उसका नाम था विजय। विजय को राजा बनाया गया और जब राज्य कार्य संभाला तो गुरु लोग महामंत्री लोग छोटे मंत्री लोग सब ले जाकर के विजय को सिंहासन पर बैठाते हैं और राजकार्य सिखाते हैं, हाथ जोड़ के प्रार्थना भी करते हैं, मर्यादा का पालन भी करते हैं और उनसे बताते भी हैं कि ये कार्य किया जाता है, धीरे धीरे उन्होंने सीख लिया जिनको कुछ सीख पाया। और महारानी जो थी वीरेंद्र की महारानी अर्थात राजा विजय की माँ, वो क्या सिखाती, वो कहती कि बेटा भगवान कृष्ण की लीला सुनो, और धीरे धीरे कृष्ण भक्ति प्रदान करती है अपने बेटे। कालांतर में घटना क्या घटती है, युधिष्ठिर जब राजा हो गए महाभारत के युद्ध के बाद,
भगवान व्यास का आशीर्वाद मिला और द्वारकाधीश के आज्ञा भी, तो अश्वमेध यज्ञ किया और अश्वमेध यज्ञ का अश्व छोड़ा गया तो दिशाओं में दिग्विजय के लिए अर्जुन सेना लेकर साथ में गए और घूमता घूमता वो अश्व वो आकर के घोड़ा दक्षिण भारत में वहां पहुंचा जहां के राजा विजय थे 6 वर्ष के राजा। आकर के एक सेवक ने दरबार में प्रवेश किया और दरबार में प्रवेश करके कहा, महाराज क्षमा हो, प्रार्थना मेरी ये है कि एक घोड़ा अश्वमेध यज्ञ का आया है, उसके ललाट पर ऐसी ऐसा पत्र लगा हुआ है स्वर्ण का कि जो छत्राणी का दूध किया हो ये जो अहिंसा नहीं स्वीकार करना चाहता युद्ध करना चाहता है तो इस घोड़े को पकड़ कर दिखाए और ये युधिष्ठिर का घोड़ा अश्वमेध यज्ञ का। राजा विजय ने कहा, छोटे छोटे से बच्चे 6 वर्ष के राजा, घोड़े को पकड़ लिया जाए और ला करके बांध दिया जाए। अब महामंत्री घोड़ा आए और मंत्री लोग और गुरु लोग जितने विद्वान लोग थे सब घबरा गए। अरे राजा ने कैसे क्या किया, युधिष्ठिर तो इतने बड़े राजा चक्रवर्ती राजा और ये तो छोटे से राजा, ये क्या उनकी बात कर रहे हैं। महामंत्री खड़ा हुआ, महाराज मेरी एक प्रार्थना है, युधिष्ठिर बहुत बड़े राजा चक्रवर्ती राजा और वो आपके पिताश्री के मित्र भी थे, उनके घोड़े को पकड़ने का मतलब हुआ हम उनसे दुश्मनी खाते हैं, घोड़े को कैसे पकड़े। विजय ने कहा, महामंत्री तुम्हारा विचार ठीक है लेकिन उसमें एक मेरी बात ध्यान में सुनो, भले ही मेरे पिताश्री के मित्र थे, पिताजी ने उनके साथ उनके पक्ष से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त की, लेकिन कृतज्ञता तो देखो पांडवों की वे अश्वमेध यज्ञ कर रहे और निमंत्रण मेरे हाथ में नहीं आया, ये तो हमको अपना मित्र मानते हैं तो यज्ञ में निमंत्रित करके बुलाना चाहिए, इसमें उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया, इसलिए घोड़े को पकड़ लिया जाए। महामंत्री ने कहा, महाराज क्षमा करिए, एक प्रार्थना और है, हमारी सेना बहुत छोटी है, उनकी सेना बहुत बड़ी है, आप बाल रूप में है महाराज में, आप जब युद्ध में जाएंगे तो सारी जनता आपकी सुरक्षा के लिए दौड़ पड़ेगी, मर मिट जाएगी, मर भले जाए लेकिन महाराज विजय की आशा नहीं है क्योंकि उनकी अपार सेना हमारी छोटी सेना। विजय ने कहा, महामंत्री आप सब लोगों ने ही मिलकर के मेरा नाम विजय रखा है और आज विजय की आशा कैसे नहीं हो रही है। महाराज आपका कोई उत्तराधिकारी भी नहीं क्योंकि आप स्वयं बालक, इस युद्ध में कुछ गड़बड़ हुआ और आप नहीं रहे तो फिर कौन राजा बनेगा, पूरी इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, कोई मेरा उत्तराधिकारी हो चाहे नहीं हो लेकिन मेरे काकाश्री तो है, काकाश्री। महामंत्री सोचने लगा, 3 पीढ़ी से महामंत्री मैं हूं, नहीं इसके इसका कोई भाई नहीं, इसके बाप का कोई भाई नहीं, इसके बाबा का कोई भाई था, काका कहां से आ गए। महाराज क्षमा करिए, काका तो आपके खानदान में कोई हुए नहीं तो काका कौन है। बहुत विशेष राजभवन था, ऊपर से आगे से दुमंदिरा था, ऊपर से पर्दा आया, महारानी थोड़ा सा पर्दा हटा के बोली, महामंत्री कुमार का कथन ठीक है, कुमार के काका श्री हैं। सबने कहा, राजमाता कुमार के काका कौन है, हम लोग जानते नहीं। बोले, महामंत्री तुम भी गए थे जब राजकीय युद्ध हुआ था, तुम्हें याद नहीं द्वारकाधीश ने महाराज वीरेंद्र को अपना बड़ा भाई और मेरे चरण में जल डाल करके कहा था, भाभी वो सत्य संत है, वे एक वचन बोलने वाले हैं, वो कभी कभी भी असत्य नहीं बोलते हैं, जब उन्होंने मुझे भाभी कहा तो वे कुमार के काका ही तो हुए और कुमार के काका हुए हैं, वे
तो अब देखना है कि काका अपने भतीजे की रक्षा करने आता है घोड़े को पकड़ लो। ठीक कहा और घोड़े को पकड़ लिया गया। महाराज द्वारकाधीश की लीलाओं को बचपन से लेकर के आगे तक की द्वारकापुरी तक की सारी लीलाओं को विजय की माँ ने रोजाना सुना सुना कर कृष्ण माता ऐसे सुनाया था अपने बच्चे को कि विजय के अंदर पूरी कथा भरी हुई थी। आप सदा वही चिंतन करते रहते थे। महारानी ने कहा कि मेरे बेटे ने देखा जरूर नहीं है द्वारकाधीश को, क्योंकि तुम्हें वो पेट में था जब मैं गई थी राजपूत यज्ञ में, तो पेट में था बाहर पर जाऊंगा। और इतना उसके मस्तिष्क में वो कथाएं भरी पड़ी है कृष्ण की, वो देखते ही कहीं जानने का, तुम चिंता मत करो घोड़े को पकड़ने की आज्ञा दे। घोड़ा पकड़ा गया तो घोड़ा पकड़ा गया और सेना आमने सामने डट गई पांडव की सेना अर्जुन के नेतृत्व में, और महाराज विजय छोटे से बच्चे उनकी सेना, और जब राजा छोटा सा महाराज 6 वर्ष का इतना हिम्मती है तो हम क्यों नहीं आगे चलेंगे। सारी फौज चल पड़ी, यहाँ तक कि जो फौज में नहीं थे वो जनता भी चल पड़ी। हमारा राजा जब छोटा सा बच्चा होकर के इतना हिम्मती है तो हम भी साथ में चलेंगे। और महाराज अर्जुन ने कहा विजय तुम्हारे पिताश्री हम लोगों के मित्र, आज तुम हमारा घोड़ा पकड़ करके दुश्मन बनना चाहते हो। विजय ने कहा अर्जुन तुम भूल गए मेरे पिताजी ने तुम्हारे पक्ष से युद्ध करते करते शरीर छोड़ा था, उन्होंने अपना जीवन तुम्हारे लिए अर्पण कर दिया और तुम ऐसे कृतज्ञ निकले। ये कर रहे हो तो निमंत्रण पत्र भी नहीं भेजा, आज का मजा में चखाऊंगा। महाराज युद्ध शुरू हुआ और युद्ध में अर्जुन भले ही अस्त्र चलाते थे लेकिन उनके जवाब में हजारों लोग अस्त्र छोड़ते थे। अर्जुन इस तरह मजबूर हो गए, इतने बड़े योद्धा होने पर भी अर्जुन इतने मजबूर हो गए कि दिव्यास्त्र चलाना पड़ा। और जब उन्होंने दिव्यास्त्र चलाने के लिए सोचा तो पहले विचार किया दिव्यास्त्र कौन सा चलाऊं, तो उन्होंने आग्नेय अस्त्र चलाया। ऐसी अग्नि की ज्वाला उमड़ पड़ी है उधर से, ये बच्चा घबरा गया क्योंकि तो सेना में कोई दिव्यास्त्र जानने वाला था नहीं, राजा विजय की सेना में कोई दिव्यास्त्र जानने वाला नहीं था और राजा विजय भी दिव्यास्त्र नहीं जानते थे। उधर से अर्जुन ने आग में अस्त्र चला दिया, अग्नि जल पड़ी मरती हुई, सब जल के मर जाएंगे। तब राजा विजय अपनी माँ की सिखाई गई बात से काका को याद किए और बाण चढ़ा करके प्रत्यंचा पर बोले काका श्री रक्षा करो और बाण करो। महाराज कोई मंत्र नहीं बोला बल्कि बोलता काका की रक्षा करो और ऐसी जोर की बारिश हुई कि सारी आग बुझ कर गई। अब अर्जुन परेशान, ये मंत्र तो मैंने कहीं आज तक सुना ही नहीं। दिव्यास्त्र का समापन करने के लिए वर्णास्त्र चलाया जाता है लेकिन वर्णास्त्र में काका की मंत्र तो कहीं भी नहीं आता, ये किसी पुराण में नहीं है, किसी वेद में नहीं, ये मंत्र कहां से बच्चा बोला और बोलते ही काम हो गया। फिर इसके बाद उन्होंने वायव्यास्त्र चलाया अर्जुन ने, और वायव्यास्त्र जब चलाया तो अब घबराया बालक विजय अरे अब क्या करें सब उड़ जाएंगे इस चढ़ावी में तो, और फिर एक छोटा सा बाण चला के बोले काका की रक्षा करो। बस काका की बोलते ही एक पर्वतास्त्र प्रकट हुआ और सारी आंधी खत्म। अब अर्जुन ने समझ लिया इसके पास कोई दैवी शक्ति है, ऐसे नहीं मानेगा ये बालक, हम कब तक युद्ध करेंगे, अब पार्श्वपदास्त्र चला के खत्म करता हूँ। पाशपतास्त्र क्या होता है, शंकर जी का प्रणयास्त्र होता है और पाशपतास्त्र जब फूटता है
तो अग्नि का भाई बोला उसमें से तमाम भूत प्रेत पिशाच धरती काशनी कूष्मांडा ये सब निकलती है और वो सब निकल करके और शत्रु पक्ष को खा के खत्म करती है। और अब समझ को कुछ आया नहीं, अब तो हम लोग बचेंगे नहीं, तो विजय ने कहा रक्षा करो। अब उसके बाद क्या करता घटना करती है, जल में शंख की ध्वनि सुनाई पड़ी आकाश में और गणों पर विराजे हुए भगवान श्री कृष्ण आते हुए निकले। भगवान श्री कृष्ण को जब आकाश में देखा है तो अर्जुन ने समझा प्रभु मेरे पास आ रहे मेरी रक्षा करने के लिए, लेकिन उधर न जाकर के विजय की तरफ जब भगवान गरुड़ से आकर के पहुंचे थे तो अर्जुन दौड़ा अपने गरुड़ पर विराजमान होकर के जब तीव्रता से आए हैं विजय की तरफ, अर्जुन अपने रथ से कूद करके भागे भगवान कभी प्रभु मैं इस तरफ हूँ मैं इस तरफ हूँ आप उधर कहाँ चले जा रहे आप उधर कहाँ चले जा रहे मैं तो इधर हूँ। भगवान ने कहा क्यों क्या वाली मैं प्रद्युम्न अनुरु जंतु पर बाण चलाती हूँ भाई प्रभु को प्रद्युम्न अनुरु क्यों आप बच्चे यहाँ कहाँ प्रद्युम्न अनुरु बोले तो ये किसका बच्चा तुम जानते नहीं हो राज्य तो अपने काका को बुला रहा था काका को बुला रहा था इसीलिए तो आया हूँ। अर्जुन ने कहा प्रभु क्या इसके काका आप हैं बोला हाँ मैं ही काका हूँ मुझे जो जो मान लेता मैं वही उसका हो जाता भाई मान ले तो भाई हो जाता हूँ काका मान ले तो काका पिता मान ले तो पिता पति मान ले तो पति मित्र मान ले तो मित्र जो मान ले वही मैं हो जाता हूँ उसका। अर्जुन ने कहा महाराज इसके कुल खानदान से कोई हिस्सा ही आपका कभी भी नहीं रहा आप कब से काका हो गए इसके। भगवान ने बताया इसकी माँ ने मुझे इसका काका बना दिया है इसके प्रेम इतना हृदय में भर दिया है और जब भगवान आए रथ के पास विजय के विजय छोटा सा बालक का हाथ फैला लिया ठाकुर जी आकर के गोद में ले लिए। अब आदमी समझ गया अरे भगवान को अपना बच्चा मानते अर्जुन आए भागे हुए और हाथ जोड़ के कह विजय आप छोटे से बच्चे हो लेकिन आप भक्ति में मुझसे आ गए अब मैं इनका भाई लगता हूँ बहुत रिश्ते हैं मेरे ये बुआ के लड़के होने के कारण भी भाई तो इस तरह से और मित्र भी मेरे तो जैसे ही काका वैसे मैं भी काका हूँ। अब भगवान के जैसे गोद में लिया था ऐसे अर्जुन ने भी गोद में लिया लड़ाई खत्म। अब इसके बाद फिर ठाकुर जी ने विजय के राज्य की व्यवस्था की और महारानी ने आकर के चरण छुआ चरण छूते छूते फिर ठाकुर जी ने चरण छू लिया बोले भाभी आप नहीं चरण छुओ मैं आपका चरण छू। इसके बाद रानी ले गई महल में ठाकुर जी की सेवा की 8 दिन तक सारी पांडव सेना वहीं पर डेरा डाले और आतिथ्य प्राप्त करती रही। इसके बाद भगवान ने वहां की सुव्यवस्था करके महारानी से कहा बच्चे को मुझे दो मैं ले जाऊंगा द्वारकापुरी और दाऊगी से सारी शस्त्रास्त्र विद्या सिखवाऊंगा। बोले आप ही का बच्चा है आप ले जाना चाहूंगा ले जाओ प्रभु। और फिर भगवान विजय को लेकर वहां गए और अपनी व्यवस्था के द्वारा राज्य कार्य का संचालन किया है। ठाकुर जी से जब हम उनकी सेवा करते हुए जैसे मैंने शुरू बताया यज्ञ के द्वारा अर्थात सेवा परोपकार के द्वारा और कष्ट सहन करना अर्थात तपस्या के द्वारा जब आप यज्ञ करोगे परमार्थ करोगे तो कुछ न कुछ कष्ट सहना पड़ेगा और कष्ट नहीं सहन करोगे तो यज्ञ अधूरा रह जाएगा। करते करते भगवान को जब प्रसन्न कर लेंगे भगवान से हमारा कुछ रिश्ता जुड़ जाएगा तब वे ऐसी कृपा करेंगे कि हम किस हालत में उनको जहां भी बुलाएंगे वहां के चले जाएंगे और हमको